भीड़ या क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए पुलिस काफी बार टियर गैस का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये टियर गैस काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आइए एक मिथ बस्ट करें। टियर गैस गैस नहीं है। मतलब ये केमिकल कंपाउंड्स का एक कॉम्बिनेशन है जो प्रेशराइज्ड कैनिस्टर्स में पाउडर के रूप में भरा जाता है। इसे जब रिलीज किया जाता है तब एक फाइन मिस्ट बनता है जो स्प्रेड गैस का एक इफेक्ट देता है। अब टियर गैस में इस्तेमाल होने वाले सबसे कॉमन केमिकल्स है क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिन्हें ये दोनों नामों से जाना जाता है। स्प्रे करने पर ये केमिकल्स हवा में मिल जाते हैं और आंखों में जाने पर बर्निंग सेंसेशन होती है। इससे टियर ग्लैंड्स ट्रिगर हो जाती है और आंखों में इनवॉलंटरीली पानी आने लगता है, इसलिए इसे टियर गैस का नाम दिया गया है। लेकिन क्या टियर गैस का हम पर इतना ही इफेक्ट होता है? नहीं, ये नाक और त्वचा को भी इफेक्ट करता है। जब सांस लेते तो वह नेजल मेम्ब्रेन पे और लंग्स पर हमला करता है। इससे सांस लेने में टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, खांसी और चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होती है। इसके अलावा केमिकल्स की फाइन मिस्ट त्वचा पर जम जाती है और उसके पोर्स में प्रवेश कर जाती है। इससे रेडनेस, इचिंग और केमिकल बर्न्स हो सकती है। अब टियर गैस और स्विमिंग पूल में क्या कॉमन है, ये जानने के लिए पहला कॉमेंट पढ़ें।